नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है ख्वाहिशें और दुआएं। कॉलम निगार हैं हसन निसार और आवाज़ है मलिहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। ख्वाहिश बगैर कोशिश के यूं ही है जैसे जिस्म बगैर रूह के, जिसे सुपुर्द खाक करने में वजह तौर पर जल्दी की जाती है। ख्वाहिशों पर अंग्रेजी का एक मुहावरा हर्फ आखिर समझें, जिसका फ्री स्टाइल तर्जुमा कुछ यूं बनता है कि अगर ख्वाहिशें घोड़ों का रूप धार सकती तो हर शख्स ही शहसवार होता। बाकी रही दुआएं, तो मैंने कुछ अर्सा पहले इसी कॉलम में अर्ज़ किया था कि दुआ कज़ा को भी टाल सकती है और 7 जुलाई 2020 को ये लिखा था, पेश कीमत और नाजुक मस्नुआत की पैकिंग पर जली हरूफ में लिखा होता है, फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर। मेरा बस चले तो हर जिंदा शख्स के माथे पर लिख दूँ, लाइफ इज़ फ्रेजाइल हैंडल विथ प्रेयर। मतलब ये कि दुआ मेरे ईमान का हिस्सा है, मुद्दतें बीत गईं मैं सोने से पहले दुआ ज़रूर करता हूँ। वालदैन के लिए ही नहीं, तमाम बिछड़ चुके दोस्तों के लिए भी मगफरत की दुआ के बाद अहल खाना दोस्तों और जाने किस किस के लिए सुख सुकून आसूदगी की दुआएं। और जैसे जैसे दोस्त बिछड़ते जाते हैं मेरी दुआओं का दौरानिया तवील दर होता जा रहा है। चंद रोज़ कबल ही मैं किसी करीबी से कह रहा था कि अगर चंद साल मजीद मोहलत मिल गई तो इन दुआओं का दौरानिया वस शब तक फैल जाएगा, क्योंकि मरहूमीन की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आखिरी दो नाम मौलवी सईद अजहर और डॉक्टर मुगीसुद्दीन के हैं। मैं तुम्हें भूल जाऊँ अगर मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए, मुकर्रर इरशाद की फरमाइश के बगैर दोबारा अर्ज है कि दुआ मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन जैसे ख्वाहिश की तकमील के लिए भी कोशिश मेहनत और सही बहुत ज़रूरी है, इसी तरह दुआ के लिए भी मेरिट दरकार है। और मेरिट क्या है? शेब अभी तालिब की जान लेवा सऊबतों से लेकर ताइफ के पत्थरों तक, हिजरत के दुख से गजवाए बदर में बहे पाक लहू तक, ओहद के शहीदों और जख्मों से लेकर गजवाए खंदक के मार्के तक, तवील तरीन सिलसिला है मेरिट का, जिसे बहुत से लोग बहुत मासूमियत और आसानी के साथ भूल जाते हैं। और इनमें से कुछ हैरान होकर ये भी सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। जब से होश संभाला अपने पारसाओं को रिक्कत आमेज़ अंदाज में गिड़गिड़ाते सुना कि कश्मीर से फ़लस्तीन तक खैर मिले, लेकिन नतीजा एक बार एक अजीब सा हिसाब लगाया, बल्कि मेरे मुताबिक वाली अपनी टीम से लगवाया। हिसाब की समरी ये समझें कि कुर्रा अर्ज पर मुसलमानों की कुल तादाद का तखमीना क्या है। इनमें से एक चौथाई भी अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो एक दिन में नमाजों और दुआओं की तादाद का तखमीना, एक दिन में की गई दुआओं को साल के 365 दिनों से ज़र्ब दें और फिर इन सब के टोटल को सिर्फ 100 साल से ज़र्ब देकर इसके टोटल पर गौर व फिक्र करें। ये टोटल देखकर अव्वल तो कंप्यूटर ही फट जाएगा या जवाब दे जाएगा, लेकिन अगर ये कंप्यूटर कुछ ज़्यादा ही ढीठ निकला तो हिसाब लगाने वाले का अपना दिमाग ज़रूर फट जाएगा या जवाब दे जाएगा। इस एक्सरसाइज से और कुछ मिले ना मिले मेरिट का मतलब जरूर समझ आ जाएगा। एक बार बहुत ही नामवर हजरत साहब से मैंने पूछा, बंदा परवर मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी गैर मुस्लिम बल्कि मुल्हिद की जायदाद पर कब्जा कर लूं, केस अदालत में चला जाए, जज भी इत्तफाक से दयानतदार हो, मजलूम रोता फिर रहा हो, मैं जाए नमाज बिछाए अपने हक में फैसले के लिए दुआएं मांगता रहूं, तो फैसला किसके हक में आएगा? जवाब नदारत, वो जवाब है पालने वाला, वो जो रहमान है और रहीम भी, उसका एक नाम अल मुक्सिद भी है, यानी वो जिसका हर काम इंसाफ और तवाजुन का आयनादार है। वो अगर अल अफू यानी माफ़ करने वाला है तो कैसे भूल सकते हैं कि वो अल मुंतकिम यानी गलतकारों को सज़ा देने वाला भी है। और माफ़ी कैसी कि माफ़ी का भी एक अंदाज़ उसलूब और शर्त है कि जो किया दोबारा कभी ना करूँगा। गलत कारियाँ भी जारी रखना, माफ़ियाँ भी मांगना और दुआओं की कबूलियत का मुंतज़िर भी रहना। हम गंदों उगाए बगैर दो नहीं अनगिनत चुपड़ी हुई मांग रहे हैं। वो अल तवाब बेशक व शुबा तौबा कबूल करने वाला है, लेकिन तौबा शिकनी पर अल खबीर यानी बाखबर और आगा भी तो है। वो अल अदल यानी मुकम्मल इंसाफ करने वाला है और अल हकम भी है, जो इंसाफ करता और हकदार को उसका हक दिलाता है। और वो जो अल बसीर है, द ऑल सीइंग, जो हर चीज़ का मुशाहिदा कर रहा है। तो क्या हमारे असल, हमारे अंदर, हमारी हकीकत से वाकिफ नहीं? और जो अल समी यानी हर एक की सुनता है, द ऑल हेयरिंग,
तो अल मुजिल भी उसी के पाक नामों में से एक नाम है, यानी जिल्लत देने वाला, मतलब वो जो मुतकब्बिर और नाफरमानों को जलील व खार कर देता है, और जो मेरिट को समझते हैं उनको अल मुइज द ऑनरर, यानी इज्जत शौकत और मकबूलियत अता करने वाला। समरी और बॉटम लाइन फिर वही कि जैसे ख्वाहिश की तकमील के लिए भरपूर कोशिश की शर्त है, इसी तरह दुआओं की कबूलियत के लिए भी मेरिट बहुत ज़रूरी है, वरना सदियों से जारी सदियों तक जारी रहेगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।